मैथमेटिक्स। तो दोस्तों आज हम लाए आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर 9 आपकी एनसीईआरटी बुक से। इसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने क्लास 7 में भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ पढ़ा था, तो चलिए जरा एक्सप्रेशन पे चलते हैं। एक्सप्रेशन बच्चों क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्सप्रेशन का। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 4x + 3, अब इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन को देखिए जरा क्या किस चीज से ये मिलकर बना है। तो हम अगर इसको क्लासिफाई करें बच्चों, तो मैं इसमें से 4x को अलग कर सकता हूं और 3 को अलग कर सकता हूं। 4x plus 3 एक एक्सप्रेशन है। अब 4x को मैंने अलग लिखा, 3 को अलग लिखा, और इनके बीच में एक साइन क्या था, प्लस का साइन। और इनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन बोलते थे, प्लस माइनस इंटू या डिविजन, डिफरेंट ऑपरेशन होते थे। तो मैंने इसको इसके फैक्टर निकाली, एक 4x और एक 3। तो बच्चों ये 4x और ये 3 जो हमने दो अलग बांटे हैं, इनको बोलते हैं बच्चों टर्म। इनको बोलते हैं हम टर्म। 3 भी एक टर्म है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो किससे मिलकर बना होता है, टर्म से मिलकर बना होता है, टर्म से मिलकर बना होता है। यानी कि एक साइन किसी एक्सप्रेशन में, एक साइन है तो उसमें कितने फैक्टर होंगे बच्चों, 2। 4x प्लस 3 एक साइन है, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म। अगर यहां पर 3 + 2x² ये एक एक्सप्रेशन होता, 2 साइन है तो इसमें कितनी टर्म होती, 1, 2, 3 टर्म। जितने साइन होंगे यानी कि जितने ऑपरेशन जो साइन होंगे उससे एक ज्यादा क्या होगा, उसका टर्म होगा। तो हमको टर्म निकालने के लिए दिया जाए तो आप साइन देख के भी निकाल सकते हैं और यहां से इनको काउंट करके निकाल सकते हैं। 4x एक टर्म हो गया, 3 एक टर्म हो गया, या सिर्फ प्लस का देखेंगे, 1 प्लस है तो कितनी टर्म होगी, 2 टर्म होगी। तो यहां से हम टर्म निकाल सकते हैं। अब बच्चों टर्म को और क्लासिफाई करें तो टर्म किससे मिलकर बना है, जरा देखिए 4x एक टर्म है तो इसमें 4 से मिलकर बना है और x से मिलकर बना है। यानी कि ये क्या है, ये 4 और x का क्या है, प्रोडक्ट है। 4 और x का प्रोडक्ट है। तो यहां पर बच्चों जो 4 है इसको हम बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होती है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। अब 4 तो हमेशा 4 ही रहेगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। और बच्चों जो x है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो सकती है। आपने देखा होगा हम पिछली साल x की वैल्यू कहीं पर 1 रखते थे, कहीं 2 रखते थे, कहीं -1, कहीं -2। तो ऐसे जो एल्जेब्रिक आपके वेरिएबल है इनकी वैल्यू बार बार क्या होती है, चेंज होती है। हर क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, लेकिन 4 तो हमेशा 4 ही रहेगा। तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट, और जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो क्या होता है, वेरिएबल। तो जरा देखते हैं हमने यहां पर क्या क्या देखा। मैंने देखा एक एक्सप्रेशन 4x + 3, इसको मैंने फर्दर क्लासिफाई किया 4x और 3 में। 4x और 3 को मैंने क्या कहा, इन दोनों को मैंने टर्म कहा। क्या कहा, टर्म कहा। अब 4x किससे मिलकर बना था बच्चों, 4 और x से मिलकर बना था। अब इसमें मैंने 4 को क्या कहा, इसको मैंने कांस्टेंट कहा। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और x को क्या कहा, x को हमने वेरिएबल कहा। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। चलिए 4x + 3 में 2 टर्म हमने लिखी थी, एक 4x और एक 3। 4x को हमने क्लासिफाई किया, अब एक और टर्म बची है 3। अब 3 क्या होगा बताइए, कहते हैं कि 3 की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो 3 क्या होगा, 3 कांस्टेंट होगा। हमने पढ़ा है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमने यहां से एक्सप्रेशन देखा, टर्म देखा, कांस्टेंट देखे, वेरिएबल देखे, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक, टर्म फैक्टर और कोएफिशिएंट। तो बच्चों सेम एग्जांपल लेते हैं जो कि अभी हमने लिया था, क्या था, 4x + 3। तो इसमें हमने टर्म निकाली थी बच्चों, टर्म क्या थी, एक टर्म थी इसमें 4x और एक क्या था, 3। तो ये हो गया हमारा टर्म, अभी पढ़ा है। फैक्टर देखते हैं, फैक्टर्स। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, एक 7x बार मैंने एक एग्जांपल लिया। तो इसमें जरा देखिए फैक्टर निकालिए, ये किस किस से मिलकर बना है, ये 7 है इसमें, इसमें x है और इसमें y है। तो जो कुछ भी उस एक्सप्रेशन में या टर्म में है वो क्या होता है, हमारा फैक्टर होता है। तो फैक्टर 7x बार किससे मिलकर बना है, इन चीजों से मिलकर बना है, 7 से, x से और y से। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, 7x बार है। तो इसके फैक्टर क्या होगा, 7x बार। एक और एग्जांपल लें इसमें, एक और एग्जांपल लेते हैं, 8x / z। इसके फैक्टर बताने हैं हमें, तो जरा देखिए कि किस किस से मिलकर बना है, 8 से, x से, y से और z से। तो ये तीनों इसके क्या हो गए, चारों ही फैक्टर हो गए 8x / z के। अब 8 को हम और क्लासिफाई करें तो 2 × 2 × 2 ऐसे कर सकते हैं, तो 2 भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर हो जाएगा।
ये पढ़ा नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम 8x / z के फैक्टर क्या लिखेंगे, 8x / z। ठीक है, अब चलते हैं हम कोफिशिएंट पे। तो बच्चों कोफिशिएंट के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2xy + 3y + 4, 2xy + 3y + 4, इसमें हमें बताना है क्या, एक काम करते हैं यहां पर 2x ले लेते हैं सर, 2x + 3y + 4, इसमें हमें कोफिशिएंट बताना है। तो जरा देखिए, कोफिशिएंट के लिए आपको देखना है वेरिएबल, और वेरिएबल क्या था अभी पढ़ के आए हम, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो x यहां पर एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ में जो नंबर है वो हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। वेरिएबल के साथ में जो नंबर, तो x के साथ में क्या है, 2, तो 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। y के साथ में देखिए जरा क्या है, y के साथ में क्या है बच्चों, 3, y के साथ में क्या है, 3, तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, और 4 के साथ में देखिए कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी एल्जेब्रिक यहां पर नहीं है, एल्जेब्रा नहीं है, तो 4 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 4 को हम बोलेंगे बच्चों कांस्टेंट। अभी हम इसको पढ़ के आ रहे हैं, कांस्टेंट इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो कांस्टेंट 4 क्या है यहां पर, कांस्टेंट। अगर यहां 4 के साथ में z होता तो z का कोफिशिएंट बच्चों 4 हो जाता, लेकिन 4 आप देखिए यहां पर अकेला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, 2, y का कोफिशिएंट क्या है, 3, और 4 क्या है, कांस्टेंट। अच्छा बताइए, एक एक्सप्रेशन ले 2x + y + 3, इसमें हमसे पूछा जाए कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा, y के साथ में कोई नंबर दिख रहा है क्या, नहीं है, नहीं है, तो y के लिए क्या लिखेंगे हम, 1, तो 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, और x के लिए क्या है, x के लिए कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और 3 क्या हो जाएगा यहां पर, 3 हो जाएगा यहां पर कांस्टेंट टर्म। तो आई होप ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा, टर्म, फैक्टर और कोफिशिएंट। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। इसका थोड़ा सा बेसिक हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था, चलिए फिर से बेसिक से देखते हैं। मोनोमियल बच्चों क्या होता है, ये मोनो का जो मतलब है, इसका मतलब है वन, यहां पर वन टर्म, जहां पर वन टर्म हो, कितनी, वन टर्म, एक टर्म जहां पर हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल लेते हैं 4x, ये एक टर्म है, तो ये हो गया क्या, मोनोमियल। और एग्जाम्पल लेते हैं 2x square, ये क्या है, मोनोमियल। 7 एक टर्म है, मोनोमियल। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, मोनोमियल के एग्जाम्पल है। बाइनोमियल पर चलते हैं बच्चों, मोनोमियल में वन टर्म है, तो बाइनोमियल में कितनी होगी, 2 टर्म होगी यहां पर, तो जिस भी एक्सप्रेशन में 2 टर्म होगी वो क्या होगा, बाइनोमियल होगा। 2 टर्म, इन्हीं दोनों को हम जोड़ दें, क्या हो जाएगा, 2x square plus 4x। देखिए जरा, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, दो टर्म है, यानी कि क्या है, बाइनोमियल है, दो टर्म है तो बाइनोमियल है। और एग्जांपल लें इसका, 4y square plus 3, इसमें दो टर्म है, तो ये भी क्या है, बाइनोमियल है। और ले ab plus c, यहां पर एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो ये भी क्या है, हमारा बाइनोमियल है। अगला चलते हैं ट्राइनोमियल। तो बच्चों अब तक तो आप समझ गए होंगे, मोनो मतलब वन टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राई मतलब 3 टर्म, तो इसमें कितनी होगी, 3 टर्म होगी, तो 3 टर्म को जोड़ देते हैं हम। इसका एग्जांपल ले जरा देखिए, 4x + 2x square + 3, ये इसका राइट फॉर्म नहीं है लिखने का, इसको पहले लिखेंगे 2x square + 4x + 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 टर्म लिख रहे हैं इसमें, 2x square एक टर्म, 4x एक टर्म और 3 एक टर्म, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो जाएगा। और एग्जांपल लीजिए a + b + c, तो एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म है यानी कि ट्राइनोमियल। अब बच्चों पॉलिनोमियल, इसमें हम कह सकते हैं एनी नंबर ऑफ टर्म, एनी नंबर ऑफ टर्म, एक हो, दो हो या तीन हो, ये सभी किसमें आते हैं, ये सभी पॉलिनोमियल में आते हैं। मोनोमियल एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, पॉलिनोमियल एनी नंबर ऑफ टर्म, कितनी भी टर्म उसमें हो सकती है। तो ये था हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब चलते हैं हम लाइक और अनलाइक टर्म। दोस्तों अब चलते हैं हम लाइक और अनलाइक टर्म्स पे। बच्चों लाइक टर्म क्या होगी, इसकी जो वेरिएबल है उनकी पावर सेम होगी या वेरिएबल सेम होगी, उनको हम लाइक टर्म बोलेंगे। तो हमें ये एग्जांपल दिया, इसमें से हमें लाइक और अनलाइक को अलग अलग करना है। तो जरा देखिए, पहले हम लाइक टर्म को लिखते हैं यहां से। तो यहां से मैंने सबसे पहले लिखा 7x। अब देखिए यहां पर x की पावर कितनी है, 1,
तो हमें यहाँ पर x की पावर 1 वाली टर्म्स देखनी है। यहाँ देखिए जरा x की पावर 1, तो यानी कि ये इसकी लाइक टर्म है 14x, और यहाँ भी x की पावर 1 है तो माइनस का 13x, ये भी एक लाइक टर्म है 7x के, 7x 14x माइनस 13x। और कोई ऐसी टर्म है जिसकी x की पावर 1 हो? यहाँ पर x का पावर 2 है तो ये नहीं है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x y दोनों है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या था x का, तो ये भी इसके लाइक नहीं है, और ये y स्क्वायर है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर y x दोनों है, तो 7x 14x और माइनस 13x आर लाइक टर्म्स। और क्या क्या है इसमें लाइक टर्म है जरा देखिए। अब हम x x हो गया, अब x स्क्वायर वाले पे चलते हैं, तो 5x स्क्वायर, अब इसमें 5x स्क्वायर की लाइक टर्म देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर कहाँ है, ये रहा माइनस का 9x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर और माइनस 9x स्क्वायर लाइक टर्म्स है। अब और लाइक टर्म्स पर चलते हैं, ये सभी हो गई, y वाली देख लेते हैं, 7y और कौन सी y आ रही यहाँ पर टर्म है, और कोई भी नहीं है, तो 7y के लिए कोई भी लाइक टर्म यहाँ पर नहीं है। अब नेक्स्ट xy वाली, तो 7xy और कौन सी है यहाँ पर, देखिए जरा यहाँ पर ये क्या है, माइनस 5x। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर xy, यहाँ पर y x है, तो इसको हम xy भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, माइनस 5 इंटू y इंटू x, प्रोडक्ट है, तो हम x को पहले लिखे हैं, y को, उससे प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या होंगी, आपस में लाइक टर्म्स होंगी। और यहां पर रह गया बच्चों, यहां पर रह गया हमारा माइनस का y स्क्वायर, माइनस का 9y स्क्वायर, इसकी भी कोई भी लाइक टर्म यहां पर नहीं दी हुई है। तो लाइक अनलाइक से हम कैसे देख सकते हैं कि इनके वेरिएबल सेम होनी चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर y के लिए और कोई लाइक टर्म नहीं थी, यहाँ पर x y की पावर 1 है, यहाँ भी x y की पावर 1 है, और यहाँ y स्क्वायर की, यहाँ y स्क्वायर है और कोई यहाँ पर y स्क्वायर था नहीं, तो ये हम ऐसे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एक बात और याद रखनी है बच्चों, जो कैलकुलेशन होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो भी कैलकुलेशन होगा वो लाइक टर्म्स के बीच में होता है, वो लाइक टर्म्स के बीच में होगा है। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। तो बच्चों लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को करने के बाद हम चलते हैं एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको ऐड हम कैसे करेंगे। तो आइए हमको एक एग्जांपल दिया हमने, 7x² - 4x + 5 एंड 9x - 10 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए देखिए, 7x² - 4x + 5, इसमें हमें क्या ऐड करना है, 9x - 10। अभी हमने देखा था बच्चों लाइक टर्म आपस में ऐड होती हैं या सब्सट्रैक्ट होती हैं, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर जो 9x है वो किसके नीचे आएगा, यहाँ पर 4x के, क्योंकि इन दोनों में x की पावर क्या है, 1 है। हम 9x को यहाँ पर 7x² के नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें x की पावर 2 है और इसमें x की पावर 1 है, तो यहाँ पर -4x के नीचे क्या आ गया, 9x, और यहाँ पर 10 किसके नीचे जाएगा बच्चों, माइनस का 10 है तो ये 5 के नीचे यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए हमको इसको ऐड करना है, हम इसका एडिशन कर सकते हैं, तो हमने यहां पर ऐड किया, अब जरा देखिए प्लस का 5 माइनस का 10, ये क्या है, प्लस का 5 माइनस का 10, हमें मालूम है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और साइन किसका आता है, बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट के साइन क्या साइन है, माइनस का, तो ये क्या आएगा, माइनस का 5। यहां पर देखिए ये माइनस का 4x, यहाँ पर प्लस का 9x, माइनस का 4x प्लस का 9x, माइनस प्लस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 9 में से जब 4 को माइनस करेंगे, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की, तो प्लस का 5, और साथ में क्या बच्चों, साथ में x है, इसको नहीं भूलना है, और यहाँ ऐसा नहीं करना कि x से x कैंसिल हो जाए, x साथ में रहेगा, बस नंबर आपस में माइनस हो जाएंगे, 9 से 4 को माइनस किया तो 5 बचा, साथ में क्या चल रहा था, x, तो x का यहाँ पर x आ जाएगा, और इसको हमने कुछ भी नहीं किया तो इसको एज इट इज लिख देंगे, 7x² और यहाँ पर साइन किसका आएगा आप बताइए, बीच में यहाँ पर बड़ी डिजिट प्लस की थी तो प्लस का साइन आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7x² + 5x - 5। ये था हमारा एडिशन ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों इस तरह हम आगे जो एक्सरसाइज 9.1 है उसको सॉल्व करेंगे, इन्हीं चीजों की वजह से वो सॉल्व होगी। तो ये इस वीडियो में आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।